गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अवरी वन वेरी गुड मॉर्निंग और ये वीकली करेंट अफेयर्स का सेशन है जहाँ पे हम लोग जून में जो थर्ड वीक रहा है उसमें एलेवेंथ ऑफ जून से लेकर के लास्ट एटीन सेवनटींथ ऑफ जून तक के तमाम करेंट अफेयर्स को आज के सेशन में रिवाइज करेंगे तो अगर आप लोग सप्ताह में किसी भी क्लास को मिस कर देते हैं Morning, तो आप इस क्लास के माध्यम से उसमें पूरा कर सकते हैं या फिर आप गुड मॉर्निंग जब आप कोई भी सेशन मान लो करंट अफेयर्स का, का सेशन है कर हम लोग जून में में जो थर्ड वीक रहा है उसमें तो आज के सेशन हम लोग देखने वाले हैं उन तमाम क्वेश्चन को जो पूरे सप्ताह भर में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो अगर आप रेगुलर क्लासेस में रहे हुए हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसपे सही उत्तर देंगे और अगर आपने क्लासेस रेगुलर नहीं किया है तो बहुत सारे सवाल होंगे जो आपके लिए नया हो सकता है उसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पे ज्वाइन कर सकते हैं हमने करंट अफेयर्स का पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है और आपको करंट अफेयर्स और बाकी सभी विषयों के तमाम अपडेट्स जो एसमेंट उस चैनल पर लगातार मिलेगा तो एक बार लाइक कर लो सेशन को जल्दी से और फटाफट से आज के सेशन के हम लोग शुरुआत करेंगे जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं यह हमारा विक्री करेंट अफेयर्स का सेशन जहां पे 100 प्लस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के उसको हम लोग यहां पे देखने वाले हैं ओके गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन फिफ्टीन एसमेंड में अभी लाइव दिख रहे हैं मैं उम्मीद कर रहा हूं बाकी लोग भी जल्दी से आएंगे चलो तो uh, सभी लोग रेडी हैं बिल्कुल इतनी कम संख्या में कैसे काम चलेगा बताओ कोई नहीं हाँ मैं एक बार मैसेज कर देता हूं ग्रुप में चलिए तो जितने भी लोग अभी जुड़ पाए हैं आप लोग के साथ ही मैं सेशन को आगे बढ़ाता हूं उम्मीद कर रहा हूं कि बाकी लोग भी जल्दी से जुड़ेंगे हाँ वीकली करंट अफेयर्स का यह सेशन और अगले कुछ ही मिनटों में हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन है जिसको यहां से कंप्लीट करने वाले हैं चलिए और सेशन की शुरुआत थाउट के साथ करेंगे कि किसी चीज की उम्मीद में मत बैठो बल्कि यह सोचो कि उसे कैसे प्राप्त किया जाए क्योंकि आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं स्वेंट? केवल चिंता फिक्र में ही बने रह जाते हैं और इस क्रम में हम लोग अपने जीवन की जो सबसे प्यारी चीज होती है वो खो देते हैं वह होता है हमारा फोकस हमारे एफर्ट्स तो कभी भी किसी चीज के बारे में महज सोचना नहीं है ना और अगर सोचना है तो इस बात को सोचो कि उसे हासिल कैसे किया जाए उस लक्ष्य तक पहुंचा कैसे जाए तो इसी थाउट के साथ हम लोग आज के सेशन को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे ढेर देख सारे सवालों को पहला प्रश्न जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है और वही सवाल आपके सामने इसे देखे बनाने की कोशिश करेंगे हाँ रंजीत कंचन मधु नेहा नाजमीन एंड सभी बच्चों का स्वागत है पहला सवाल और इस प्रश्न को ढंग से पढ़िए बनाने की कोशिश करिए क्वेश्चन नंबर वन आज के सेशन का ये पहला सवाल है हार्वर्ड विश्वविद्यालय में वित्त उपाध्यक्ष और मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है आज का ये पहला सवाल आपके सामने जल्दी से कमेंट करेंगे वीकली सेशन रह, अकेडमी स्पेशल क्लास में ठीक रहेगा वहां पे भी ले आएंगे क्या जी दिक्कत है वहां पर भी लेकर के आ जाएंगे हाँ आगे से नेक्स्ट टाइम से ये क्लास आपको वहीं पे प्रोवाइड करूंगा सही जानकारी स्टूडेंट रितु कालरा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आगे सवाल देखोगे ओ ओपन एआई के सीईओ के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है ओपन एआई के सीईओ कौन है साथ हो सैम ऑल्टमैन ऑप्शन नंबर डी इज ऑप्सुटी करेक्ट किस एयरलाइन ने भारत की पहली महिला हज उड़ान सफलतापूर्वक संचालित किया है भारत की पहली ऐसी कोई एयरलाइन कंपनी जिसने महिलाओं के लिए हज उड़ान सफलतापूर्वक संचालित किया है उस कंपनी का नाम क्या है एयरलाइन का नाम क्या है और सही जानकारी होगा उस एयरलाइन का नाम क्या है तो वह एयर इंडिया एक्सप्रेस जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है और इसने सऊदी अरब के लिए कोड केरला से डायरेक्ट उड़ान भरी है आगे प्रश्न होगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रश्न जून 2023 में अरब सागर में सक्रिय अति गंभीर तूफान का नाम क्या है अभी लगातार ये तूफान न्यूज़ में रहा है और इसके प्रभाव लगातार हम सब देख रहे हैं तो अरब सागर में जो चक्रिय सक्रिय हुआ तूफान उसका साइक्लोन उसका नाम क्या है ऑप्शन नंबर ए साइक्लोन का नाम है साइक्लोन का नाम क्या है बीपर और बीपर जॉय का मतलब होता है आपदा और इसका नामांकन करने का कार्य बांग्लादेश के द्वारा किया गया है और समझ लो कि लोगों को यहाँ पे मतलब दुनिया भर के देशों में चक्रवात के भी नामांकन हो जाते हैं इसका क्या प्रोसेस एंड ऑल उसके बारे में किसी क्लास में लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट है किस बैंक ने आई एम अडियार इज मी एक नई अभियान की शुरुआत कर डाली है उस संबंधित बैंक का नाम क्या है उस बैंक का नाम है उस बैंक का नाम है फेडरल बैंक एंड ऑप्शन नंबर सी इज ऑब्सोल्युटली करेक्ट आगे सवाल होगा हाल ही में जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग इन रैंकिंग 2023 में सबसे महंगा शहर के तौर पे किसको चुना गया है जहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग सबसे हाई है सबसे ज्यादा वहां पे जीवन जो है महंगा है ग्रेट हा न्यूयॉर्क पहले नंबर पे आता है इसमें से आगे प्रश्न होगा अगला प्रश्न है कि किस लेखक ने अपना ग्राफिक उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ को लॉन्च किया है योगी आदित्यनाथ का जो नाम था बचपन का अजय उस नाम से लेकर के योगी आदित्यनाथ बनने तक की पूरी कहानी उसमें है और इसे लिखने का कार्य किया प्रश्न आपके सामने होगा जल्दी जल्दी कॉमेंट करोगे बहुत ही बेहतर प्रयास है कंचन नेहा स्वीटी नाजमीन रंजीत वेदांश अमन हेमंत मधु गौरी बेहतर प्रयास हाँ चलिए अगला प्रश्न चालीस वंचित लड़कियों के लिए बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है बहुत अच्छा इसकी शुरुआत किया है उसमें एन टीपीसी कानपी ने एंड ऑप्शन नंबर सी इसमें महिलाओं लड़कियों को शिक्षित किया जाएगा उनको जागरूक बनाया जाएगा आगे प्रश्न है किस राज्य ने अशोक चक्र विजेता हवलदार एलबी डिक्रूज का निधन हो गया है हवलदार एलबी डिक्रूज जो कि राज्य के पहले अशोक चक्र विजेता थे उसमें केरल के उनका निधन हो गया है अगला प्रश्न है स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2023 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य पर्यावरण के मामले में पहली रैंक पर है बड़ा ही अच्छा सवाल है इसमें पर्यावरण के दृष्टिकोण से भारत में पहला रैंक पे कौन सा राज्य है मध्य प्रदेश गोवा सिक्किम या तेलंगाना बहुत ही अच्छा केरल आप लोग उधर उत्तर कर रहे हो ग्रेट हाँ तो इस प्रश्न में हम लोग देखेंगे कि जो पहले नंबर पे जो राज्य रहा है उसमें से हम लोग देखेंगे कि ये क्वेश्चन वही हाँ इसमें से पहले नंबर पे जो राज्य रहा है वह है तेलंगाना जस्ट अ सेकेंड तेलंगाना के मामले में भारत के सबसे पहले नंबर का राज्य है और ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आगे देखिए दक्षिण कोरिया में अंडर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है कौन सा स्थान हासिल किया है इंडिया ने तो साथियों भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है और ऑप्शन नंबर सी इज ऑप्शन करेक्ट फिर से सवाल होंगे कि बिम्स्टेक एक्सपो और कॉन्क्लेव 2023 की मेजबानी कौन से शहर में होगा बिम्स्टेक मल्टीसेक्टोरल एक्टिविटीजमेंट और इसका आयोजन जो है भारत में इसका आयोजन होने वाला है कोलकाता के अंदर कोलकाता बंगाल में और बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है अगला सवाल है राज्य खाद्य सुरक्षा दो हजार में बड़े राज्यों में पहला स्थान किस राज्य का है भारत में खाद्य सुरक्षा के मामले में स्टूडेंट पहला नंबर पे कौन सा राज्य है नई रिपोर्ट के अनुसार बहुत ही भी बेहतर वेरी गुड बड़े राज्यों में पहला स्थान किसका है आपके कमेंट्स का मैं वेट कर रहा हूं जल्दी से करोगे बहुत अच्छा बड़े राज्यों में साथियों केरल पहले नंबर पे है वेरी गुड आगे फिर से सवाल होंगे आपके सामने और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य द्वारा संचालित एनएचपीसी ने पंप स्टोरेज योजनाओं और अन्य नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है किसके साथ एन ने किसके साथ यह समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं संबंधित राज्य का नाम क्या है संबंधित राज्य का नाम क्या है बहुत बेहतर वेरी गुड ग्रेट हां इसमें महाराष्ट्र बिल्कुल सही जानकारी है आगे फिर से बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है अगला सवाल है कि नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुल कितने परिवहन के साथ बी में तीसरा पुनरुद्धान पैकेज को मंजूरी दे दिया है बी एस एन एल भारतीय संचार निगम लिमिटेड में स्टूडेंट करोड़ रुपीज का तीसरा पुनरुद्धान पैकेज की घोषणा कर दी है आगे फिर से हम लोग बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किसने एक स्वस्थ और व्यसन मुक्त भारत को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान की शुरुआत करी है जिसका नाम है वैसन मुक्त अमृत काल अभियान इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया है तो साथियों तो इसकी शुरुआत किया गया है बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए जो आयोग काम करती है उसके द्वारा और सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट नेक्स्ट है पुलावरम परियोजना के तहत को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश को कितने रुपए डोनेट करने उसमें कंट्रीब्यूट करने की बात करी है भारत सरकार कितने रुपए उसमें कंट्रीब्यूट करेगी तो सुन भारत सरकार इसमें बारह हजार नौ सौ ग्यारह रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करेगी ना अमाउंट थोड़ा क्लोजली है इसको डेटा चेक करना होगा हमें बारह हजार नौ सौ इज ऑब्सिटी राइट आगे प्रश्न है कि सागर परिक्रमा पहल के सातवें चरण की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है सागर परिक्रमा मत्स्य उत्पादन के लिए मछली उत्पादन के लिए और भारत सरकार में जो पशुपालन और मत्स्य मंत्री हैं वह है पुरुषोत्तम रूपाला तो इस कार्यक्रम की शुरुआत भी उन्हीं के द्वारा किया गया ऑप्शन नंबर ए इज राइट आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है मर्सर के लागत रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है बाहरी लोगों को रहने के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है लंदन हांगकांग ज्यूरिक या फिर सिंगापुर रिपोर्ट अलग अलग है हाँ अभी आप थोड़ी देर पहले जो पढ़े थे वो अलग रिपोर्ट था और अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट भर में सबसे महंगा शहर जो है रहने के लिए उसमें से पहला नंबर पे जो है सबसे महंगे शहरों में उसमें हांगकॉन्ग आ जाएगा हाँ बिल्कुल चलिए तो ये थे टॉप ट्वेंटी कोशेस फिर हम लोग अगले सेट पर वापस लौटेंगे और अगला सेट क्या है भी? तो अगला जो सेट होगा हमारे सामने प्रैक्टिस के लिए वह है चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पे भी हम लोग वापस लौट रहे हैं जल्दी जल्दी से देखते हैं और इस प्रश्न को जल्दी से पढ़े हाँ बनाने की कोशिश करें अगला प्रश्न है मुरली श्री शंकर ने पेरिस डायमंड लीग में स्पर्धा में तीसरा स्थान हासिल किया है प्रश्न है कि उनका संबंध किस स्पोर्ट से है किस खेल से है चले। तो इसमें सही जानकारी हो जाएगा फ्रेंड उनका संबंध है लॉन्ग जंप से और सी इज राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है आ, 2023 में अपना पहला महिला जूनियर हॉकी एशिया कप किसने जीत लिया है <laughs> अगला प्रश्न जल्दी-जल्दी से कमेंट करेंगे हाँ एक्चुअली सवालों की संख्या थोड़ी अधिक होगी और आप लोग इतना आंसर करते केवल आप ए बी सी में ही आंसर कर दीजिए हां ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है गुड मॉर्निंग सुलेखा स्वागत है चलो। और इसमें जीत किसने दर्ज किया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू कलर का ड्रेस आपको दिख रहा है भारत का तिरंगा भी दिख रहा है तो निश्चित रूप से इसमें एशिया एशिया हॉकी जो कप रहा उसमें भारत की टीम ने जीत दर्ज किया है नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन 2023 हजार तेईस एकल का स्पर्धा किसने जीता है स्क्रीन पे नोवाक जो भी इसको आप देख पा रहे होंगे उन्होंने जीत दर्ज किया है अगला सवाल विश्व बाल श्रम दिवस 2023 का थीम क्या है आमतौर पर थीम एग्जाम में भर भर के पूछे जाते तो आपसे सवाल है कि थीम क्या है थीम क्या है आप जल्दी से कमेंट करेंगे बहुत बेहतर वेरी गुड ओके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इसमें सही उत्तर ऑब्वियसली सोशल जस्टिस फॉर ऑल ना इन चाइल्ड लेबर सभी के लिए सामाजिक न्याय बाल श्रम कांत करना ये इसका थीम था आगे प्रश्न होगा कि भारत फ्रांस संयुक्त अरब अमीरात के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास का नाम संस्करण का नाम क्या है मतलब कहां पर आयोजन हुआ है समुद्री साझेदारी का आयोजन कहां पर किया गया है बहुत अच्छा इसका आयोजन ओमान की खाड़ी में हुआ है ऑप्शन नंबर सी इज राइट देन फिर से हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अगला सवाल है आ, बीपर जॉय साइक्लोन 2023 को किस देश के द्वारा इसका नामांकन किया गया है साथ साथियों बीपर जो है जो कि अरब सागर से उठा है उसका नामांकन बांग्लादेश से हुआ है और एक बंगाली वर्ड है बंगाली भाषा का एक शब्द है फिर से सवाल आपके सामने है मिस वर्ल्ड प्रेजेंट 2023 का आयोजन किस देश में होगा इसका आयोजन जो है भारत को इसका अभी हॉस्टिंग का राइट्स मिल गया है आगे प्रश्न इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2023 का मेडल लिस्ट में भारत किस स्थान पर रहा है मेडल लिस्ट में इंडिया का रैंक क्या है आपने जल्दी से कमेंट करके बताना है चलिए, तो भारत इसमें कुल पंद्रह पदकों के साथ इंडिया इसमें पहले नंबर पर रहा है और ए इज राइट अगला सवाल है कि कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर एक वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको नेक्स्ट जेनरेशन का टेक्नोलॉजी कहते हैं उस पर ब्रिटेन एक वैश्विक सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है, तो right है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों को सशक्त करने के लिए किसके साथ एक एमओयू पे हस्ताक्षर किए हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने Amazon किसान के साथ उसने समझौता किया है जो कृषि क्षेत्र में नित्य तकनीक इत्यादि पे जो है अपना जानकारी उपलब्ध कराएगा आगे प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए बीमा प्रीमियम पे हंड्रेड परसेंट सब्सिडी देने का घोषणा किया है लो अब वहां पे किसी को भी बीमा पे जो लागत आएगा वो नहीं देने की आवश्यकता है वो सारा पैसा जो है वो सरकार खुद पेमेंट कर देगी गवर्नमेंट जो है वो सारा पेमेंट खुद ही कर डालेगी हाँ। चलिए तो इसमें सही जानकारी हम लोगों ने देखा कि इसकी जो घोषणा हुई है ये मेघालय सरकार ने किया है ऑप्शन नंबर इज राइट आगे बढ़ेंगे किस हवाई अड्डे ने यात्रा को आसान बनाने के लिए एक नई सुविधा डीजी यात्रा की शुरुआत की है डीजी यात्रा में आपको चेक इन करना बहुत आसान होगा फेस रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा इस नई तकनीक के माध्यम से तो संबंधित हवाई अड्डे का नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल नंबर थ्री बहुत सारे टर्मिनल है उसमें भी जाहिर सी बात है बड़ा सा एयरपोर्ट है तो राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन की छठी मिशन संचालन समूह की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है ये वाली सेशन जो है वीकली करंट अफेयर्स आमतौर पे हम लोग संडे को करते हैं लेकिन इस संडे चूंकि नहीं हो पाया था तो अभी हम लोग कर रहे हैं बहुत अच्छा पीयूष गोयल के द्वारा इसे संबोधित किया गया नेक्स्ट होगा कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ उठाने के लिए शक्ति स्मार्ट कार्ड के लिए आवेदन करने की सलाह दी है अगर आपको आप अगर महिला हैं और बस में सरकारी बसों में मुफ्त सेवा का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको शक्ति स्मार्ट कार्ड बनाने की आवश्यकता होगी संबंधित राज्य का नाम है संबंधित राज्य का नाम है कर्नाटक सीधा रमैया मुख्यमंत्री डी शिव कुमार यहाँ के उप मुख्यमंत्री किस राज्य सरकार ने हाल ही में 2017 से 21 के के बीच लंबित निजी और वाणिज्यिक वाहनों के सभी ट्रैफिक चालान को रद्द करने का निर्णय दिया है

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पे इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है आगे बढ़ोगे नेक्स्ट है और निम, निम्नलिखित में से किसने फिनटेक को बैंकों और गैर बैंकिंग कंपनियों के साथ साझेदारी करने की अनुमति देते हुए फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी को मंजूरी दे दिया है तो आमतौर पर बैंक हो या फिर नॉन बैंक हो भारत में मंजूरी देने का काम जो है वो आरबीआई खुद करती है तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह अनुमति दिया है आगे प्रश्न है कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने वित्त उपाध्यक्ष और मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसकी नियुक्ति करी है हार्वर्ड विश्वविद्यालय में स्टूडेंट मुख्य वित्तीय अधिकारी के तौर पे किसे नियुक्त किया गया है बहुत बेहतर रितु कालरा ऑप्शन नंबर ए आगे सवाल है फ्रांस यूनियन सिविल अध्यक्ष के तौर पे किसे नियुक्त किया गया है फ्रांस यूनियन सिविल के अध्यक्ष स्क्रीन पे आप इन्हें देख सकते हैं और इनका नाम वी अनंत रामन क्या नाम इनका वी अनंत रामन जिसे इस पद पर अपॉइंट किया गया है सबसे युवा ग्रैंड स्लैम व्हील चेयर चैंपियन दो कौन बन गए हैं उनका नाम क्या है जापान के हैं और सम्... उनका नाम रोशन टॉकिडो ओडा तो वो बन गए हैं सत्रह वर्षीय हैं और वो चैंपियन के रूप में भी चैंपियन बन गए हैं तो इनके बारे में भी जानकारी रखें। चलो तो बहुत ही बेहतर प्रयास है और लगभग लगभग उत्तर आप लोग सही ही कर रहे हो कुछ प्रश्न जो है गलतियां हो रही हैं कुछ लोगों से ही हो रही हैं तो अगर आपने ठीक ठीक रिवीजन किया है पूरे सप्ताह तो फिर इन सवालों को बनाना जाहिर सी बात है आपके लिए थोड़ा आसान ही था ऑलराइट है अभी हम लोगों ने टोटल चालीस प्रश्न कंप्लीट किए हैं अभी कितने सवाल कंप्लीट हो गए तो आप सभी लोग कमेंट करके बता सकते हैं अभी तक हम लोगों ने टोटल चालीस प्रश्न कंप्लीट कर लिया है और अब बारी है नेक्स्ट ट्वेंटी क्वेश्चन और अभी इसमें हम लोग देखने वाले हैं तो अगला सवाल आपके सामने और इस प्रश्न को फिर से पढ़े बनाने की कोशिश करें अगला प्रश्न आपके सामने है और इसे भी पढ़े बनाने की कोशिश करेंगे चालीस सवाल अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट किया है और नेक्स्ट 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 अगला प्रश्न आपके सामने है इसे बनाने का प्रयास करिए करेंट अफेयर्स स्पेशल क्लास में ठीक है आगे सब लोग इसका ख्याल रखेंगे इसे देखेंगे कि एक्स बारहवें संस्करण का आयोजन कहां पे हुआ है मालदीव इज ऑब्सोलूटली राइट आप कमेंट कर चुके हो यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है दो हजार सत्ताईस तक यूपीएससी के जो अध्यक्ष होंगे ना वो यही नाम होने वाला है तो आप अच्छे से इनका नाम रट लेंगे याद कर लेंगे चलिए तो इसमें डॉक्टर मनोज सोनी इज ऑब्सोलूटली राइट जी ट्वेंटी अध्यक्षता के तहत तीसरी फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां पर आयोजित हुआ है तीसरी फ्रेमवर्क की बैठक स्टूडेंट कहां पर हुआ है तो स्क्रीन पर अगर आप पढ़ पाते तो यहाँ लिखा हुआ है कि इसका आयोजन कोची में हुआ है कोची केरला के अंदर कोविन प्लेटफॉर्म क्या है वट इज कोविन प्लेटफॉर्म कोविन से लगभग आप में से सभी लोग परिचित होंगे ना जब कोविड चल रहा था वैक्सीनेशन के काम हो रहे थे उस समय सरकार ने कोविन को लॉन्च किया था और यह सरकार द्वारा संचालित एक कोविन टीकाकरण टीकाकरण करने का एक पोर्टल है इसको अब राष्ट्रव्यापी से बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर के लिए तैयार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी कन्वेंशन सेंटर में पहली बार राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन उद्घाटन किया है कहां पर यह उद्घाटन हुआ है तो साथियों इसका उद्घाटन नई दिल्ली के अंदर हुआ है एंड इज राइट आगे सवाल होगा किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग का अनावरण कर लिया है दुनिया का सबसे जो तेज है जो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग का अनावरण वो कहां पे हुआ है भाई तो चाइना के अंदर हुआ है और भारतीय नौसेना ने महात्मा गांधी के सत्याग्रह की एक वर्षगांठ मनाई है किस देश में भारतीय नौसेना ने यह वर्षगांठ मनाया है दोस्तों 130वीं वर्षगांठ मनाया गया है साउथ अफ्रीका में और महात्मा गांधी का जो ये घटना था वो अठारह में जब तो उन्हें यात्रा के दौरान रंगभेद का शिकार होना पड़ा था उस उपलक्ष्य में इसका आयोजन हुआ है नेक्स्ट है कि आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाली आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाली पहली टीम कौन बन गई है सभी आईसीसी ट्रॉफी जिसने जीत लिए हैं आईसीसी के अंतर्गत जितना ट्रॉफी होता है सब जीतने का रिकॉर्ड जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम कर लिया है सभी फॉर्मेट में उसने चैंपियंस अहशिप का खिताब उसने अपने नाम किए हैं चलिए आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आप UIDAI के सीईओ के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है जो आधार कार्ड जारी करते हैं इंडिया के अंदर तो अमित अग्रवाल इसमें ऑप्शन नंबर डी आप नाम देखेंगे जो कि बिल्कुल सही जानकारी है आगे बढ़ोगे एक्सेलरेटर प्रोग्राम के तहत किस देश की फार्मर्स प्रेस जोन स्टार्टअप को चुना गया है एफ एंड एवो, एफ एवो, फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया की केरल की जो एक स्टार्टअप कंपनी है स्मार्ट प्रेस जोन उसको एक्सेलरेटर प्रोग्राम के तहत स्टार्टअप चुना है और आगे फिर से सवाल होगा किस देश ने अर्जेंटीना को दो एक से पराजित कर एफ आई एच प्रो लीग को अपने नाम कर लिया है अर्जेंटीना को किसने पराजित करके इस लीग को अपने नाम कर लिया है संबंधित देश का नाम क्या है तो स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहा है आपको कि वहां पे भारत की टीम दिख रही है और भारत ने अर्जेंटीना को दो एक से पराजित कर दिया है हमारी भाषा हमारी विरासत शीर्षक से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया है हमारी भाषा हमारी विरासत के, के तहत एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है उसका उद्घाटन मीनाक्षी लेखी के द्वारा किया गया जो कि सांस्कृतिक राज्य मंत्री हैं आगे फिर से देखोगे नेक्स्ट है किस कंपनी ने ई ट्वेंटी सेवन ईंधन और एथेनॉल मिश्रित ईंधन में उपयोग करने के लिए वाहनों पर सफलतापूर्वक पायलट अध्ययन शुरू किया है सक्सेसफुली लॉन्च्ड पायलट स्टडी ऑन व्हीकल्स यूजिंग फ्यूल एथेनॉल ब्रांडेड डीजल फ्यूल उस कंपनी का नाम क्या है जिसने इस पर अपना अध्ययन शुरू किया है तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है आगे सवाल है कि नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड किस राज्य में 525 मेगावाट पंप स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी कहां पर इसका निर्माण होगा तो यह निर्माण मध्य प्रदेश के अंदर होगा और अतिरिक्त बिजली की जो आवश्यकता है उसकी यहां से आपूर्ति होगी हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र लाने की घोषणा करी है संबंधित राज्य सरकार का कहना है कि पिछली सरकारों ने खूब पैसे खर्चे किए हैं अंधाधुंध खर्च किए हैं जिस कारण से हमें नुकसान हुआ है तो उसके लिए किसने इसे घोषणा कर डाली है तो संबंधित राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश जिसने कहा कि जनता के सामने श्वेत पत्र लेकर जाएंगे द सीक्रेट डायरीज ऑफ चार्ल्स साचो के लिए रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है तो जोसेफ को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रहे हैं आगे सवाल होगा कि माई गवर्नमेंट के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में कितने डिजिटल लेन देन के साथ भारत डिजिटल भुगतान के पांच देशों की सूची में सबसे ऊपर रहा है तो भारत जो है सबसे ज्यादा डिजिटल भुगतान हमारे इंडिया के अंदर हुआ है और भारत में टोटल 89.5 मिलियन डिजिटल नाइन हुआ है आप स्क्रीन पे देख भी सकते हो और इंडिया पहला नंबर पे इंडिया के बाद पर दूसरे नंबर पे ब्राजील है थर्ड में चाइना उसके बाद थाईलैंड उसके बाद साउथ कोरिया तो भारत से भी लोग बहुत दूर है यूपीआई पेमेंट पे डायरेक्ट पेमेंट पे आ, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सी किसे नियुक्त किया गया है सी के पद पर किसकी नियुक्ति की गई है तो सेंड राजीव कुमार यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा और बी इज ऑब्सोलूटली राइट आंसर राजीव कुमार नहीं होंगे इसको ठीक कर लेना संजय स्वरूप बिल्कुल सही जानकारी होगी अगला प्रश्न है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान के दूसरे संस्करण की घोषणा की है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अंतर्गत तीन श्रेणियों में कुल कितनी पुरस्कार दिए जाएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मीडिया पुरस्कार के अंतर्गत तीन श्रेणियों में टोटल थर्टी थ्री पुरस्कार दिए जाएंगे जो कि ऑप्शन नंबर सी में है फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब 2023 किसने जीत लिए हैं फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब साथियों किसके द्वारा जीता गया है <laughs> इस क्लास में हमारा प्रयास होता है कि चिल्लाया कम जाए पढ़ाया ज्यादा जाए ना और बकवास जितना कम हो सके उतना किया जाए क्योंकि अगर बकवास करने की बात करें या कोई कॉमेडी की बात करें तो ऑलरेडी यूट्यूब पे हजारों चैनल्स पड़े हुए हैं अच्छे अच्छे चैनल पड़े हुए हैं तो मुझे लगता है इस चीज़ को आप कहीं ना कहीं वैल्यू करते होंगे मैंने कई बच्चों के कॉमेंट्स पढ़े कि सर इस क्लास की सबसे अच्छी बात मेरे को लगती है सीधी बात नो बकवास <laughs> तो उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये सब कुछ पॉसिबल है आप सबके सपोर्ट आप सबके प्यार के बदौलत और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बिल्कुल आप थोड़ा सा बस काम करो देन हम लोग पूरा उसमें अच्छे से कर सकते हैं डीज राइट आंसर ईगा स्वेटर चलिए तो आ, इस पूरी जानकारी यहाँ तक आपको मिली अभी तक हम लोगों ने इसमें टोटल इसमें तीन प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किए हैं टोटल साठ प्रश्नों को हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है अब बारी है और भी सवाल है उन प्रश्नों को देखने की तो उन प्रश्नों को भी जल्दी जल्दी से हम लोग यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे हाँ और बीच बीच में इस तरह के कुछ आपको थाउट भी मिलेंगे कि अगर आपको खुद पर भरोसा है तो आप अंधेरे में भी रास्ता बना लेते हो जी साथियों इस जीवन में हम जो कुछ भी होते हैं हमारे जीवन में हंसी हो खुशी हो गम हो मोटिवेशन डीमोटिवेशन ये सब हमारा खुद का बनाया हुआ है अभी मैं इस क्लास में यहाँ खड़े खड़े आपको पढ़ाते पढ़ाते अगर मैं अपने आप को चाहूँ कि मुझे एकदम डिमोटिवेट होना हो सकते हैं तो यह स्टेट ऑफ माइंड है कुछ भी आप अपनी पुरानी बातों को ऐसे वैसी चीजों को सोच करके अपने आप को खराब कर सकते हो लेकिन स्टेट ऑफ माइंड है एट द सेम टाइम अगर आप चाहेंगे मेरे को हैप्पी रहना है क्योंकि जीवन में इसके अलावा कुछ है ही नहीं तो आप जाहिर सी बातें काफी अच्छा करोगे तो ये पूरी बात को आप समझेंगे कि अगर आपको खुद पर भरोसा है तो आप अंधेरे में भी रास्ता बना लोगे तो हमेशा सेल्फ बिलीव अपना कॉन्फिडेंस में हमेशा रहिए उसके बाद आप कहीं पे भी अपना रास्ता बना लोगे अपनी मंजिल तक वो पहुंचने में काफी होगा अब आगे बढ़ेंगे सवाल भर भर के हैं अगला प्रश्न फिर से आपके सामने और अगला सवाल है कि भाई बताओ विश्व स्क्वेस कप का आयोजन कहां पर किया गया है तो इसका आयोजन भारत में हुआ है जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है आपको अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है भारत की यात्रा पर चूंकि अभी आए थे तो इसलिए यह सवाल आपसे पूछा जा रहा है तो संबंधित जो वहां के सुरक्षा सलाहकार हैं जैक स्वीलिन है लॉयड ऑस्टिन वहां के रक्षा मंत्री हैं सुरक्षा मंत्री हैं तो वो अलग जानकारी हो जाएगी किस संगठन ने नीट यूजी परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है सीधे तौर पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि निडी नीट परीक्षा का आयोजन कौन करती है तो नीट जो नेशनल इंट्रांस फॉर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एन के द्वारा कंडक्ट किया जाता है आगे फिर से प्रश्न होगा कि जी का मतलब क्या है जी मतलब तो आप जी का मतलब हो गया गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस हाँ और पूछा गया है कि ये क्या है तो उसने सभी जानकारी रखेंगे कि यह एक ऐसा मंच है स्टूडेंट जहाँ से जहाँ से जहां से माल और सेवाओं की खरीद की जाती है यानी कि भारत सरकार को 2016 में इसकी शुरुआत हुई भारत सरकार को अगर कुछ खरीदना रहेगा तो वो इसी पोर्टल से जाकर के अपनी खरीदारी करती है राजा महोत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है भारत का संबंधित राज्य जिसमें जहां पर राजा महोत्सव का आयोजन हो रहा है और यह आयोजन साथियों ओडिशा के अंदर हो रहा है आगे प्रश्न होगा कि हाल ही में किसने इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट मिशन एसोसिएशन ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं संबंधित व्यक्ति का नाम क्या है तो पीटर एल्बर्स को इसके लिए चुना गया है और ये इंडिगो के सीईओ भी हैं अगली जानकारी होगी कि मई माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द रूप में किसे चुना गया है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना गया है तो साथियों है, है, है हैरी ट्रैक्टर और ऑप्शन नंबर राइट जिन्हें इसके लिए चुना गया है आयरलैंड के हैं और अगला सवाल है किस राज्य के कारी इसाद आम को जी आई टैग प्रदान किया गया जैसे बिहार में जरदालू को बी आई टेक मिला है ना उसी प्रकार से स्टूडेंट कारी इसाद आम जो है इस पर जी आई टेक प्राप्त हो गया है संबंधित राज्य है कर्नाटक कर्नाटक हाँ ऑप्शन नंबर ए उसे जीआई टैग दिया गया है और आगे प्रश्न है सीबीजी ऑपरेशन शक्ति सुरक्षा का आयोजन कहां पर किया गया है शक्ति सुरक्षा का आयोजन साथियों किधर किया गया है तो इसका आयोजन हुआ है अरब सागर में जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमें यहां पे दिख रहा है अरेबियन सी में आगे प्रश्न है विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस तो ए का जन्म दिवस है जो कि ब्लड ग्रुप की पहचान किए थे तो चौदह जून को यह दिवस मनाया जाता है ऑनलाइन खरीद मंच गवर्नमेंट ई प्लेस ने 12 से 31 अगस्त तक 12 जून से 31 अगस्त तक किस राज्य में क्रेता विक्रेता कार्यशालाओं का आयोजन करने जा रहा है तो यह कार्यशाला का आयोजन हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है जी देशों के सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन का दूसरा शिखर सम्मेलन किस शहर में प्रपोज्ड है किस शहर में इसको प्रपोज किया गया है जिसका जहां पे इसकी आयोजन होगी तो क्वेश्चन एक गोवा के अंदर होगा गोवा में कहां पे भाई तो पंजी के अंदर आगे सवाल है आ, केंद्र सरकार ने राज्य की जातीय समूहों के बीच शांति की सुविधा के लिए मणिपुर में एक समिति का गठन किया है उसके अध्यक्षता कौन करेंगे तो संबंधित विवाद के बारे में जांच करने के लिए फ्रेंड अनुसुईया उइके जो कि वहां की गवर्नर है राज्यपाल उनके अध्यक्षता में इसका स्थापना किया जा रहा है राज्य सरकार ने सड़कों पर अवैध कचरे की डंपिंग की सूचना देने के लिए लोगों को इनाम देने की घोषणा किया है उस राज्य का नाम क्या है तो इस तरह का घोषणा जो है एक डेवलप स्टेट के अंदर बिल्कुल आम बात है कि कोई भी व्यक्ति अगर कचरा फैलाता है तो उस पर कार्यवाही होगी उस उसपे मुकदमे होंगे और जो उसकी जानकारी देगा उसको पुरस्कार भी दिया जाएगा इस योजना का नाम है मालिन्या मुक्तम नवा केरलम यानी कि गंदगी से मुक्त एक नया केरला और पीना विजन जो जोस्ट यहाँ के पीना विजन यहाँ के सीएम है तो यह भी जानकारी होनी चाहिए आईआईटी ने हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए समुद्री जल का इलेक्ट्रोलाइज करने का अत्यधिक कुशल लागत प्रभावी तरीके का महत्वपूर्ण घटक विकसित किया उसका नाम क्या है वह आई संस्था का नाम क्या है तो वह आई आई मद्रास है जिसने भी एयर पॉल्यूशन को मापने का काम किया था इक्विपमेंट डेवलपमेंट का आगे सवाल और सवाल ही सवाल है भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष दो में पूंजीगत उपकरणों सहित ऋण उपकरणों को जारी करके कितने करोड़ रुपए की धनराशि जुटाने की मंजूरी दे दिया है तो इसे टोटल मंजूरी मिला है आ, इसको टोटल मंजूरी मिला है वह टोटल अमाउंट होगा कि पचास हजार करोड़ रुपए का फंड जुटाने की मंजूरी मिली है आगे सवाल है नितिन अग्रवाल को हाल ही में निम्नलिखित में से किसका नया महानिदेशक बनाया गया है नितिन अग्रवाल को महानिदेशक के पद पर किसकी नियुक्ति हुई है तो उसमें आ, बी एस एफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का हेड बना के भेजा जाना आगे प्रश्न है कि प्रिंटर कंपनी एप्सोन इंडिया के, के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं एक बहुत ही चर्चित कंपनी उसमें एप्स इंडिया तो आपसे सवाल है कि इसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए जो उसकी प्रचार करेंगे इंडोसमेंट का कार्य करेंगे तो हम लोग यहां पे देखेंगे रश्मिका मंदाना इज राइट आगे सवाल है आरबीसी कैनेडियन ओपन जीतने वाला पहला कैनेडाई चैंपियन कौन है कनाडा का पहला जिसने इस चैंपियनशिप को जीत लिया है उसका नाम क्या होगा चलिए तो उसमें उसका नाम है निक टेलर ना निक टेलर है और निक टेलर भाई साहब ने इसमें जीत दर्ज किया है आगे प्रश्न होगा कि मंगल ढीलो का ही में निधन हो गया वह कौन थे तो मंगल ढीलो अभिनेता थे एक्टर थे और उनका रिसेंटली डेथ हो गया है तो अब हम लोगों ने टोटल 80 प्रश्न कर लिए हैं और 80 प्रश्नों को कंप्लीट करने के बाद अब तो जो हम लोग देखने वाले हैं वो आज के सबसे आखिरी सेगमेंट होगा सबसे लास्ट सेशन होगा तो 80 प्रश्नों के बाद 20 प्रश्न और हम लोग देखेंगे एटलीस्ट तो सेशन को हम लोग इधर ही समाप्त कर देंगे तो 20 प्रश्न यहां पे और हम लोग अभी देखने वाले हैं चलिए टोटल 80 प्रश्न और आप नेक्स्ट 20 प्रश्न और देखेंगे नेक्स्ट की आ, बर्लोस्कुनी का निधन हो गया है वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे तो वो इटली इंत, के पूर्व प्रधानमंत्री थे रिसेंटली उनका निधन हो गया है हाल ही में कश्मीर में चिनार कोर की कमान किसने संभाल लिया है चिनार कोर की सम्मान को आ, के कमान कोष्स लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने संभाला जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है किर्गिस्तान के बिस्केक अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने स्वर्ण पदक कितने जीते हैं तो वहां पे केवल एक स्वर्ण पदक जीता गया है जो नंबर ए में आपको दिख रहा है और आगे देखेंगे उत्तर पूर्व राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों ने हाल ही में जिला सूचकांक रिपोर्ट जारी किया उसका नाम क्या है वह संबंधित उत्तर पूर्वी राज्य नॉर्थ ईस्ट स्टेट जिसने जिला सुशासन सूचकांक जारी करने की घोषणा की है दक्षण वह है अरुणाचल प्रदेश आगे सवाल है कि इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज एक्शन प्लान 2023-24 लॉन्च किया है किसने इंटीग्रेटेड ये प्लान को किसने लॉन्च किया है तो इस प्रोग्राम को हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है और इनका एक स्कीम चलता है जिसको हम लोग बोलते हैं इसका स्कीम एक चलता तो है अमृत जल क्रांति उसी के तहत जल संरक्षण को बढ़ाने के लिए घोषणा हुआ है उरुग्वे ने किस देश को एक जीरो से हराकर अपना पहला फीफा अंडर ट्वेंटी विश्व कप अपने नाम कर लिया है तो उसने, उसने फाइनल मुकाबले में इटली को पराजित करके इस किताब को अपने नाम किया है आगे प्रश्न है कि भारत का पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है भारत का पहला जनजातीय खेल महोत्सव कहां आयोजित किया गया है लाइक करने में कंजूसी नहीं करो हाँ आप लोग तो इसका आयोजन भुवनेश्वर ओडिशा में हुआ है आगे प्रश्न होगा बाल अधिकार अधिवेक्ता इकबाल मसीह पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है क्वेश्चन तो ललिता नटराजन को सम्मानित किया गया है जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रही है आगे फिर से सवाल है कि भारतीय नौसेना ने किस देश के बंदरगाह में संशोधक अपना चौथा युद्धपोत को भेज दिया है वह बंदरगाह कौन सा है वह पोर्ट कौन सा जहां इसको भेजा गया है तो इसे आप देख लेंगे चौथा युद्ध पोतेंड जिसको कोलकाता भेजा गया है आगे प्रश्न होगा कि फॉर्ब्स ग्लोबल 2000 की सूची में रिलायंस आठ पायदान ऊपर चढ़कर किस नंबर पे पहुंच गया है दुनिया भर की टॉप 2000 कंपनियों का एक लिस्ट जारी हुआ जहां पर जहां पर रिलायंस को पैंतालीसवें रैंक पे मिला है आगे प्रश्न है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन में कार्यकारी निदेशक के तौर पे किसकी नियुक्ति हुई है तो दोस्तों ये नियुक्ति हुआ था उत्तम लाल साहब का जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहे हैं विश्व पवन दिवस कब मनाया जाता है राजस्थान सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन करने वाला राज्य है तो प्रति वर्ष जून को मनाया जाता है चौदह जून या पंद्रह जून को सॉरी पंद्रह जून हो जाएगा ना

जी ट्वेंटी की अध्यक्षता में चौथी और अंतिम शिक्षा कार्य समूह की बैठक का आयोजन किया है यह आयोजन कहां पर किया गया है यह आपने बताना है चलिए कमाल का उत्तर कर रहे हो आप लोग ग्रेट बहुत अच्छा यह बैठक जो आयोजित किया गया है वह है पुणे महाराष्ट्र के अंदर और डीज राइट अगला सवाल है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार खुदरा मुद्रास्फीति कितनी है खुदरा मुद्रास्फीति क्या है दक्षिण तो भारत में खुदरा मुद्रास्फीति जो है उसमें गिरावट दर्ज हुआ रही 4.25 फोर पॉइंट टू फाइव परसेंट रह गया है हा? जो कि अपने आप में बहुत ही कम है आगे प्रश्न होगा किस बैंक ने हाल ही में व्यापार वृद्धि के लिए बॉन्ड 750 करोड़ रुपए जुटाने का योजना बनाया है बॉन्ड के माध्यम से 50 750 करोड़ रुपए जुटाने की योजना को मंजूरी नहीं दिया है और उस बैंक का नाम है फ्रेंड इंडियन ग्रामीण सॉरी पंजाब एंड सिंध बैंक आगे प्रश्न है कि कौन सा बैंक आई आधारित यूपीआई समाधान वन टू थ्री पे पेश करने वाला पहला स्मार्ट पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है यानी कि अब आप सामान्य फोन से भी लेन कर सकते हो पेमेंट कर सकते हो और इसकी शुरुआत किसके द्वारा हुआ भाई तो इसकी शुरुआत किया गया है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा आगे है इस बैंक ने एक नई विकास जमा योजना जिसका नाम है विकास आशादी 400 हंड्रेड यानी कि आप 400 दिनों के लिए अपना फंड जो है आप यहां पे डिपॉजिट कर सकते हैं फंड और पर आपको अच्छी खासी रिटर्न भी मिल सकती है एनडी मरे ने जूरीज नो को हराकर सर्विटन ट्रॉफी जीत ली है सर्विटन ट्रॉफी का संबंध किससे है तो आप इस पर जानकारी रखो इनका संबंध इसमें टेनिस से है, है। निम्नलिखित में से किसे लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो गवर्नर ऑफ द ईयर्स के पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं देश के पच्चीसवें गवर्नर और उनका नाम है जाहिर सी बात है शक्तिकांत दास चलिए तो ये तमाम सवालों को हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया और चूंकि अन अकेडमी पे आपके लिए बहुत सारे अपडेट्स हैं तो मैं एक बार आपको वो सब भी बता देता हूँ हाँ अकेडमी पे अगर आप लोग अभी तक अकेडमी प्लस से नहीं जुड़े होंगे तो आपके पास बहुत अच्छे विकल्प हैं अकेडमी प्लस से जुड़ करके इन सभी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो आप सभी क्लासेस को आप लोग एक्सेस कर सकते हैं इकोनॉमिक्स की मेरी खुद की क्लास जो है इकोनॉमिक्स में मेरी जो खुद की क्लास है वो आप सबके लिए आ रहा है कब आएगा बताओ मेरी क्लास तो 29 जून से मेरी क्लास आ रही है आप सब प्रयास करिएगा करिएगाडमी प्लस पे होंगे तो प्रोफाइल पे जाकर के उसको ज्वाइन कर लेना अगर आप मेरे पे नहीं है तो ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए प्रयास करिए अच्छी से प्रिपरेशन को आगे बढ़ाने का चलिए तो आज के इस सेशन में आज के इस क्लास में आज के सेशन में फिलहाल इतना ही और हम लोगों ने टोटल इसमें वन हंड्रेड देख लिए हैं तो सभी लोग बिल्कुल तैयार हो ना बिल्कुल न्यू बैच है एकदम डे वन से स्टार्ट होगा आप लोग और प्रैक्टिस सेट लगाना चाहोगे क्या और प्रैक्टिस सेट लगाना चाहोगे एक और लगा सकते हो आपके पास विकल्प है चलिए आपके पास विकल्प है एक प्रैक्टिस सेट का और जो भी लगाना चाहेंगे जल्दी से इन सारे सवालों को देखोगे चलिए कोई नहीं एक सेट और है संघाई सहयोग संगठन में कुल कितने सदस्य हैं इसमें टोटल आठ सदस्य हैं फ्रेंड इसकी भी जानकारी रखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संस्था ने एशिया कप 2023 को हाइब्रिड मॉडल पे आयोजित करने की बात करी है हाइब्रिड मॉडल एस्ट्रेंड जहां पे आयोजन एक देश के द्वारा होगा लेकिन कुछ मैचेस दूसरे देश में भी होगा जैसे भारत ने पाकिस्तान में किसी भी क्रिकेट खेलने को मना कर दिया तो भारत पाकिस्तान के जो भी आयोजन होंगे मुकाबले होंगे वो सब आयोजन कहां पे होगा फ्रेंड तो वो सारा आयोजन जो होगा श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया जाएगा और इसमें सही जानकारी है एसीसी ने घोषणा किया है आगे है आगे प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मृत शांति सैनिकों के लिए स्मारक दीवार स्थापित करने के प्रस्ताव दे दिए हैं तो आपसे सवाल है कि इसका नेतृत्व तो कौन सा देश करेगा तो भाई इसका नेतृत्व तो भारत के द्वारा किया जाएगा एंड राइट right. आगे सवाल है सभी प्रधानमंत्रियों की यात्रा को प्रदर्शित करने वाला प्रधानमंत्री संग्रहालय जनता के लिए कब खोल दिया गया था तो जनता के लिए संग्रहालय को खोल दिया गया था पिछले ही वर्ष इक्कीस अप्रैल को हाँ और अभी इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है पहले इसका नाम होता था जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय हाँ प्रधानमंत्री संग्रहालय अब उसका नाम हो गया प्रधानमंत्री संग्रहालय अगला जानकारी है कि, कि किस राज्य में सीएनजी से संचालित पहली टॉय ट्रेन की शुरुआत की जा रही है पहली ऐसी टॉय ट्रेन बच्चों के लिए छुक 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 छुक, -छुक रेलगाड़ी वाली ट्रेन कहां पे शुरू किया जा रहा है तो साथियों राजस्थान में उत्तर उदयपुर के अंदर स्टार्ट हो रहा है जहां बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में खास करके आनंद ले सकेंगे पांच इमारतों की संरचनाओं में अंतरराष्ट्रीय एप्पल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है तो स्टूडेंट एप्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पांच स्मारकों को और ये पांचों स्मारक है तेलंगाना के किस राज्य ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को दस हजार रुपये प्रतिमाह देने की फैसला किया है तो साथियों प्रतिमाह यह घोषणा हुआ है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा आगे क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने अरुण पोल ऐप लॉन्च किया है ताकि कोई भी व्यक्ति जो है थाना में गए बिना ही अपना शिकायत दर्ज करा सकता है हेमा खांडू मुख्यमंत्री और वहां के जो डीजीपी उनके द्वारा से लॉन्च किया गया है आगे प्रश्न है कि 2.5 करोड़ फॉलोवर के साथ भारत के सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं क्वेश्चन तो ढाई करोड़ पॉपुलर के साथ योगी आदित्यनाथ भारत के सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री हैं आगे सवाल होगा भारत और किस देश के बीच उद्योग संघों की पहली गोलमेज सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था क्वेश्चन भारत और यह न्यूजीलैंड के बीच का गोलमेज सम्मेलन है और आगे प्रश्न है कि विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है तो प्रत्येक वर्ष पंद्रह जून को यह दिवस मनाया जाता है और ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है पूर्वी भारत का क्वेश्चन गुवाहाटी पहला रेलवे स्टेशन हो गया जिसको एफ ने लाइसेंस दिए हैं नागरिकों को उनके घरों में कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए बहुभाषी भारतीय कानूनी ऐप किसने लॉन्च कर दिया है इस ऐप के माध्यम से आप कानून के बारे में तमाम जानकारियां प्राप्त कर सकते हो और इसे लॉन्च किया अमित शाह ने किस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए आठ करोड़ रुपए की नई योजनाओं की घोषणा कर दी है Question, भारत में यह घोषणा किया गया है मजबूत करने के लिए किसको डिजास्टर मैनेजमेंट प्रणाली को आपदा प्रबंधन प्रणाली को इस बैंक ने झंझट मुक्त खाता खोलने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है तो साथ ही उस बैंक का नाम है वन एंड वनली वन एंड वनली साउथ इंडियन बैंक जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है नेक्स्ट है कि आ, इस भुगतान बैंक ने भारत का पहला वह खाता शुरू करने के लिए सिकोया कैपिटल के साथ समझौते किए हैं तो साथियों पेमेंट बैंक था इसने ये समझौते किए हैं और निम्नलिखित में से किसने ऑनलाइन निवेश प्लेटफॉर्म के लिए एक नियामक ढांचा पेश किया है जो कमीशन मुक्त म्यूचुअल फंड निवेश की पेशकश करता है अब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करिएगा बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अतिरिक्त चार्ज के और इसकी घोषणा किसने किया है तो इसकी घोषणा सेबी के द्वारा किया गया है एक नई शुरुआत सेबी ने किया है नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ने किस स्थान पर अपना क्षेत्रीय कार्यालय ओपन कर दिया है तो साथियों नागालैंड कोहिमा में इसने अपना एक रीजनल कार्यालय खोला है ईवी अंतरिक्ष एमएसएमई पर वित्त पोषण के लिए नीति आयोग के साथ इसमें किसने समझौते किए हैं तो सीडबी के द्वारा यह समझौता किया गया है और गेल इंडिया के विपणन निदेशक के तौर पर किसकी नियुक्ति हुई है गेल इंडिया गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसके अध्यक्ष के तौर पे साथियों संजय कुमार की नियुक्ति हुई तो था सप्ताह और मुझे पूरा भरोसा का जरूरत पड़ेगा बस ईयरफोन कान में डालो आराम से सो जाओ लगा के हाँ सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा एक ही क्लास में जितने भी बच्चे भी क्लास में एक बार सेशन को लाइक कर लेना और फिर सेशन से विदा लीजिए अन पे लगातार सेशन जारी है उनतीस जून इकोनॉमिक्स की नई क्लास आ रही है फाउंडेशन कोर्स में आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं अगर प्लस पे हैं तो नहीं है तो जल्द से जल्द जुड़ने की कोशिश करिए और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि आप हमसे जुड़े रह सकते हैं एसके सी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पे डिस्क्रिप्शन में पांचवें नंबर पे लिंक दिया हुआ है और आप हमें डायरेक्ट भी सर्च कर सकते होकेडमी एसके सी से चलिए तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही हाँ बहुत बहुत धन्यवाद सभी को सेशन से जुड़ने के लिए अपना खूब ख्याल रखिए मुस्कुराते रहिए हंसते रहिए टेक केयर बाय बाय